यहाँ पर इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी जाति धर्म मजहब के लोग बड़ी तादाद में उपस्थित है। ये गवाही दे रहा है कि आने वाले 2022 के चुनाव में इस हरियाणा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने घर हमारे तमाम विद्वान वक्ता साथियों के विचारों को सुना, उनके विचारों से अपने आप को संबद्ध करते हुए बहुत कम समय में सम्मानित साथियों बस एक दो बातें करना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव आ गया है, सब निकट है। हो सकता है कि इसी महीने क्यों 20 तारीख के बाद किसी भी दिन उत्तर प्रदेश में आम चुनाव के लिए प्रोग्राम घोषित हो सकता है। 20 दिसंबर के बाद कभी भी प्रोग्राम घोषित हो सकता है। आपके बीच में तमाम पार्टी के लोग आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग भी आएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग भी आएंगे, तमाम पार्टियों के लोग आपके बीच में आएंगे, आपके बीच में आकर के अपनी बात करने का काम करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, आपको निश्चित रूप से चिंतन मनन करने की जरूरत है, कि एक तरफ है बहुजन समाज पार्टी की नेता और अजय बहन कुमारी मायावती जी है, और दूसरी तरफ ये झूठ बोलने वाले पार्टियों के नेता है, ये गुमराह करने वाले पार्टियों के नेता है। सम्मानित साथियों, आपको तय करना है, फैसला लेना है। आप लोगों ने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में जब जब उत्तर प्रदेश की कमान नहीं है, जब जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की हुक्मरान नहीं है, सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास के कार्य हुए, गांव के आखिरी व्यक्ति तक विकास की किरण दिखा दिया करती थी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर सरकार चलाने का काम किया, जिसमें सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को बराबर हक, हिस्सा, अधिकार, सम्मान, सुरक्षा देने का काम किया। और दूसरी तरफ सम्मानित साथियों, झूठ बोलने वाले लोग हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 2007 से 2012 के कार्यकाल में सम्मानित साथियों बड़े पैमाने पर विकास के कार्य हो रहे थे, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद जो सम्मानित साथियों प्रदेश में बड़े पैमाने पर जनहित के लिए कार्य हो रहे थे, तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही थी, समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही उन सभी योजनाओं को बंद करने का काम किया, बड़े पैमाने पर गुंडा राज उत्तर प्रदेश के अंदर कायम हो गया, पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज का स्थापित हो गया। सम्मानित साथियों, निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा कि इसी बीच में सम्मानित साथियों भारतीय जनता पार्टी के लोग जब देश में पार्लियामेंट का आम चुनाव 2014 में आया, तो इन्होंने सम्मानित साथियों नौजवानों को भी धोखा देने का काम किया, किसानों को भी धोखा देने का काम किया, बेरोजगारों को भी धोखा देने का काम किया, गरीबों को भी धोखा देने का काम किया, सबके साथ झूठ बोलने का काम किया। प्रचंड बहुमत की सरकार इस देश में भारतीय जनता पार्टी की बन गई, उत्तर प्रदेश में झूठ बोलने वालों की सरकार बन गई। अरे कुछ मिलना तो छोड़ो, तमाम हमारे नौजवान साथी यहाँ पर शिक्षित बेरोजगार भटक रहे हैं रोजगार के लिए। सम्मानित साथियों, मैंने कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, अरे नौकरी देना तो छोड़ो, जो पहले से नौकरी कर रहे उन्हें नौकरी से बाहर निकालने का काम कर रहे, जिन विभागों में नौकरियां सरकारी मिलती है वो सारे विभाग निजी हाथों में देने का काम कर रहे, ये भेस बेचने का काम कर रहे। जितने सम्मानित साथियों सरकारी उपक्रम है, सभी सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में देकर के नौकरियों को समाप्त करने का काम किया। सम्मानित साथियों, महंगाई दूर करने की तो बात छोड़ो, अरे महंगाई दूर करने की बात छोड़ो, बेरोजगारी दूर करने की बात छोड़ो, किसानों की यादें बुरी करने की बात छोड़ो। सम्मानित साथियों, आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के अंदर और खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर सम्मानित साथियों, आज अब कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, किसी की सम्मानित साथियों जान माल सुरक्षित नहीं है। आप लोगों ने देखा था कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में जब उत्तर प्रदेश की सरकार हुआ करती थी, सम्मानित साथियों पूरा प्रदेश अमन चैन की नींद सोया करता था, चारों तरफ विकास की किरण दिखाई देती थी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मानित साथियों कानून का राज स्थापित करने का
का काम किया था, पूरे प्रदेश के अंदर अमन चैन था, कोई भी बड़ा से बड़ा गुंडा बड़ा अपराधी कोई भी सम्मानित साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर खुला उसको घूमने की छूट नहीं थी। सम्मानित साथियों या तो सम्मानित साथियों आदरणीय बहन कुमारी महाराज की सरकार में या तो गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके प्रदेश के बाहर रहा करते थे या तो असली जगह जेल की सीखचों में रहा करते थे। सम्मानित साथियों खुला उन्हें घूमने की छूट नहीं थी। निश्चित रूप से आज जो पूरे प्रदेश के अंदर माहौल है जो पूरे प्रदेश के अंदर सम्मानित साथियों असुरक्षा है, इस असुरक्षा के माहौल से सम्मानित साथियों सभी जात धर्म के लोग आज निजात पाना चाहते हैं, सभी लोग आज आदरणीय बहन कुमारी महाराज जी की लोकप्रिय सरकार बनाना चाहते हैं। अपील है आप लोगों से तमाम आपके बीच में नकली अम्बेडकर वादी भी आएंगे, तमाम सम्मानित साथियों बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा करके बाबा साहब के नाम से भी तमाम फर्जी संगठन बना करके आरएसएस भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सारे पर संगठन बना करके आपके बीच में आकर के आपको गुमराह करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों इस उम्र हुए चैन सैलाब से सम्मानित साथियों अपील करना चाहता हूँ कि किसी के भी गुमराहियत में नहीं आना है, बल्कि सम्मानित साथियों ये मानते हुए कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर लोकप्रिय सरकार बनाना है, आदरणीय बहन कुमारी महाराज जी के हाथों में सम्मानित साथियों इस प्रदेश की हुकूमत सौंपना है। और निश्चित रूप से यह उमड़ा हुआ जन सैलाब ये साबित कर रहा है कि हरिया विधानसभा से इसकी शुरुआत होगी और शुरुआत करके उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी महाराज जी को पांच उम्मीदवार प्रचंड बहुमत का सरकार बनाकर के सम्मानित साथियों आदरणीय बहन कुमारी महाराज जी के हाथों में सत्ता सौंपने का काम करेंगे। इन्हीं सपने के साथ सम्मानित साथियों आए हुए सभी जन सैलाब का सम्मानित साथियों एक बार पुनः वेलकम करते हुए आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत।